अच्छा, मैंने 23 इयर्स के इस कैरियर में बहुत से लोगों को जो ऑब्जेक्शन सुने उसमें से चंद एक जो सबसे मशहूर ऑब्जेक्शन ये होते हैं कि अल्लाह मालिक है, अब ये सही है, सब कुछ सही है, तुम ऐसा करो कि 2 महीने बाद आना। लेकिन मैं ये समझता हूँ, क्या कोई आदमी ये गारंटी दे सकता है कि वो 2 महीने बाद मुझे मिलेगा? अगर कल अदा ना खासा मेरी डेथ हो जाती और अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में आने का मौका देता, तो आज मैं सबसे पहला क्या काम करता? सब दूसरा एक बहुत मैंने लोगों को कहते सुना है कि यार अभी हमारी ज़रूरत नहीं है, यार सेविंग नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई इमरजेंसी आती है हर फैमिली में, वो लोन लेता है ऑफिस से, वो दोस्तों से लोन लेता है और उस नीड को पूरा करता है। मैं समझता हूँ लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है, अगर आज आपके पास फ़ंड अवेलेबल नहीं है, अगर इसके लिए हमें फ़ंड बोरो करना पड़ता है, तो हमें बोरो करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कोई मिसहैप हो गया तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत। फिर दूसरा जो मैंने बहुत मिथ देखा है कि यार इसमें प्रोसीजर बहुत लेंदी है, क्लेम नहीं मिलेगा, ये लोग भाग जाते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ ये ऐसा माशरा, ऐसा सोसाइटी पाकिस्तान में हमारा ये प्रॉब्लम है, हम ट्रस्ट नहीं करते। अगर आप मुझे ईमानदारी से चीज़ें बताएंगे पॉलिसी लेते वक्त, तो ये पॉसिबल ही नहीं है इंश्योरेंस बिजनेस में कि हम आपको क्लेम ना दें। ये 3 चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सुनी है, जो मैंने समझा मैं एड्रेस करूँगा आज।